इस दिल्ली की इज्जत बचाने के लिए और इस दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए हमने कुर्बानियां दी और हमारे साथ इतना बितकरा कि जिस देश के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी उस देश में आज हमारे साथ ये हो रहा है कि 32 साल से गुरदीप सिंह खेड़ा पिछले 33 साल से जेल में है, उसकी हार्ट की सर्जरी भी जेल में हुई। हमारी मांग नहीं है, ये पूरे पंजाब की मांग है, ये पूरे पंजाबियों की मांग है। आप उनके घरों में जाओ, उनके माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहनें सब पीछे से मर गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने बीच बैठकर हमारे से समझौता किया कि आपका अलग खिता होगा। और जब देश आजाद हो गया 1947 में, उसी वक्त हमें जराइम पेशा कौम करार दे दिया। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर पंजाब से भरी तादाद में लोग आए हुए हैं और इनकी डिमांड है कि जो बंदी सिखों को जेल में कैद किए हुए हैं उनकी सजा पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हो रही है। उसी को लेकर लगातार यहाँ पर लोग जमा हुए हैं और पंजाब में ये बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर वहाँ से बेकसूर लोगों को उठाया गया, फिर उनको जेलों में डाला गया, उसके बाद उनकी अब सजा भी पूरी हो चुकी है लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो रही है। लगातार ये लोग उच्च आला अधिकारी से मिलते आए हैं, जो सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन्होंने कई बार लेटर लिखा लेकिन उसका कोई हल निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सर, क्या मुद्दा है आपका? आप लोग यहाँ आज दिल्ली में जमा हुए हैं, किस क्या डिमांड है? ये पंजाब और सारे सिखों का मसला है, जो 1984 उससे पहले भी जो सिख कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, सजा पूरी होने से बाद भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। उनके रिहाई के लिए ये सारा फंक्शन है। जैसे मुस्से आले का कत्ल हुआ है, उसके गीत जो है एक तो उसके बारे में है, और जो मेन है वो जो जिन्हें की सजा पूरी हो चुकी है, जिसके 25 साल 30 साल 35 साल, उससे बाद भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा आज उसके लिए। क्या लगता है सरकार से इस बारे में कोई बातचीत हो रही है, राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार से, क्यों उनको नहीं छोड़ा जा रहा जबकि वो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं? इसीलिए तो आज सारे सिख यहाँ पे इकट्ठे होकर आए हैं, क्योंकि ये दोनों सरकार जेडी है कुछ सिखों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए आज सारे सिख यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, तो जिस तरीके से लगातार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बेकसूर नौजवानों को जेलों में डालकर उनकी जिंदगी बर्बाद करना, खासकर माइनॉरिटी को, सर क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं आपके आज? बलजीत सिंह जो है उनको रिहा करवाना और जुल्म के खिलाफ जो कम गिनती जो है, क्या कहेंगे उसको, माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म होता है उसके खिलाफ, ये हमारा मुद्दा है। यहाँ पे दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ये धोखा दे के जो लोगों को लॉलीपॉप दे के पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई, और आज पंजाब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये उनके जुल्म और केजरीवाल के पास जो बंदी सिंह की फैलने जो आई हुई है वो सहन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये हमारा मुद्दा है। और आज हम अपने नौजवानों को, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित जो भी हैं, उनको एक ये संदेश देना चाहते हैं कि गुमराह मत हो, किसी की बातों में मत आओ। जो पार्टी जो पंजाब की अच्छे डिसीजन ले सकती है, अच्छी सरकार तुम्हें दे सकती है, अच्छे तुम्हें मुद्दे वो प्रोग्राम जो दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ अकाली दल बादल सरकार है, और इसको तुमने आजमाया हुआ है, दूसरों को आजमा हुए तो अपने आप को खोलोगे। हम ये संदेश देते हैं कि नौजवानों को, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सबको, के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जो दिन रात मेहनत करके पार्टी को
लामबंद कर रहे हैं, इनको सपोर्ट देके इनके अकाली दल के हाथ मजबूत करो। और आज का जो मुद्दा जो है ये हमारी पार्टी श्रोमणी अकाली दल बादल इनकी तरफ से जो ये मुद्दे आपने देखा, बंदी सिंह और नाजायज जो लोगों पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ है हमारा। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? इसका जिम्मेदार दोनों सरकारें हैं, श्री अकाल तख्त साहब और नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार है और अरविंद केजरीवाल भी जिम्मेदार है। ये दोनों सरकारों की मिली भुगत है और जो केजरीवाल की सरकार है वो बी टीम है मोदी की। तो ये हम पंजाब से आए हैं, सिख जो बंदी 32 साल, किसी को 35 साल हो गए जेलों में बंद हैं, तो उनकी रिहाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो ये केजरीवाल सरकार के तो क्या अभी हाल फिलहाल ही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। नहीं नहीं, जो गोविंदर सिंह पुल्लर जो दिल्ली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिर्फ साइन बाकी हैं और सिर्फ साइन नहीं हो रहे अभी तक, सिर्फ सब कुछ, कोई सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं, कोई हाई कोर्ट का रोल नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली, उसके साइन होने से जो दविंदर सिंह पुल्लर है वो यहाँ से रिहा हो सकते हैं। क्या लगता है सर इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? क्योंकि जो नौजवान थे उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी इनकी रिहाई नहीं हो पा रही। हाँ, रिहाई नहीं हो रही, इसीलिए तो हम श्रोमणी अकाली दल के सदे पर ये सारे सिख इकट्ठे हुए हैं। जो लोग कन्विक्टेड हो गए किसी कारण करके कोर्ट की तरफ से, उनकी सजा 10 साल या 15 साल 20 साल वो काट ली, अब 30-30 साल हो गए वो जेलों में बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, तो ये इनको चाहिए कि ये इनको रिहा करे। पंजाब ही नहीं, बहुत सारे और प्रांतों के भी लोग हैं जो जेलों में बैठे हैं, उनको छोड़ना चाहिए। ये दिल्ली सरकार को तो हम ये कहना चाहते हैं केजरीवाल को कि जो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर हैं उनकी सजा जो है पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि इनको छोड़ दो, पार्लियामेंट से भी फैसला हो चुका है कि इनको छोड़ दिए। अब ये सरकार की जेल में है, एक फॉर्मेलिटी होती है वो स्टेट सरकार ने करनी होती है, उस पर साइन नहीं कर रहे तो क्यों नहीं छोड़ रहे वो, ये हम पूछ रहे हैं उनसे, बार बार हम अपील कर रहे हैं तो उनको छोड़ना चाहिए, कि वायलेशन है ह्यूमन राइट्स दोनों सरकार। इसमें क्या जुडिशियरी का भी फेल्योर मानते हैं कि कहीं ना कहीं जब लोग सजा पूरी कर चुके हैं उसके बावजूद भी उनकी रिहाई ना होना? नहीं, ये होता है सरकारों के, जुडिशियल ने तो जैसे देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का मैं केस आपको बता दिया कि उनको तो सरकार ने छोड़ना है, उसका तो कोई रिहा ही नहीं इसमें, आगे देखना है इन्होंने सरकारों ने। हाँ, जेड़ा भी ये वायलेशन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए। हरियाणा तो भी काफी, तो इस तरीके के हालात है, लगातार जो है नौजवानों को जेलों में रखा जाता है, उनको अवैध गिरफ्तारी करके कई दफा उनको बुला दिया जाता है, उसके बावजूद भी नौजवान लीगली तरीके से सजा पूरी होने के बावजूद भी राज्य सरकार इनको रिहा नहीं करता। सर क्या लगता है कि जिस तरीके से नौजवानों की अभी तक रिहाई नहीं हुई है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या जुडिशरी फेल्यूर है या राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या केंद्र सरकार? देखो ऐसे है, हमें बड़ा दुख होता है, हम पंजाब से आकर हमारी दिल्ली, ये दिल्ली हमारी है, हमारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस दिल्ली को आज़ाद कराने के लिए, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जिन सिखों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, जितने शहीद हुए हैं, जितनी कुर्बानियाँ दी, 85% कुर्बानियाँ हम सिखों ने दी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस दिल्ली की इज्जत बचाने के लिए और इस दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। और हमारे साथ इतना बितकरा कि जिन हमारे भाइयों की सजा 15-15 साल 20-20 साल की उनको सजा हुई, वो सजा पूरी हो गई और इस देश के कानून जो सबसे सर्वोच्च में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट उसने, और जिस हिंदुस्तान की महापंचायत ये लोकसभा जिसके हम बाहर बैठे हैं,
इस लोकसभा में भी अंदर मता पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर कर दिया और गुरु नानक पातशाह का 500वां पर्व आया जो उनका प्रकाश पर्व, उसके ऊपर भी केंद्र की सरकार ने ऐलान किया कि प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर को रिहा किया जाए। हमारी बदकिस्मती कह लो जा हमारी जो ऐसी है कि जिस देश के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी उस देश में आज हमारे साथ ये हो रहा है कि 32-32 साल से गुरदीप सिंह खेड़ा पिछले 33 साल से जेल में है, उसकी हार्ट की सर्जरी भी जेल में हुई और जब हम उनको मिलने गए तो हम हैरान रह गए, एक दिन के भी लिए भी उसको पैरोल नहीं हुआ। जो प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर है वो 28 साल में जेल में है, यहाँ पे तिहाड़ जेल में दो बार, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली की सरकार के अंडर आती है जो दिल्ली की सरकार केजरीवाल की है, दो बार फाइल प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की केजरीवाल के पास गई, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, केंद्र की सरकार के आर्डर, तब भी केजरीवाल ने साइन किया। हम यहाँ पे पुरअमान से शांति से हम पूरे सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, इसीलिए हम अपनी बात लेकर इस लोकसभा के बाहर आए हैं कि हे सरकार, इस सरकार को बनाने के लिए, इस देश को याद कराने के लिए जो हमने संघर्ष किया, हमारे धर्म के हमारे भाई जो पिछले 32-32 सालों में जेल है उनको रिहा कर दो, क्योंकि ये हमारी मांग नहीं है, ये पूरे पंजाब की मांग है, ये पूरे पंजाबियों की मांग है। आप उनके घरों में जाओ, उनके माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहनें सब पीछे से मर गए, कोई परिवार में सदस्य नहीं है, किसी के घर में एक आदमी है, किसी के घर में दो आदमी है, राजवाना साहब का परिवार सारा चला गया, अभी उनकी सर्जरी हुआ एक, तो पिछले मतलब 28 साल से वो जेल में बैठे हैं, उनकी जो सजा थी वो पूरी होगी, उनको नहीं छोड़ रही। भुल्लर साहब 32 साल से हैं, गुरदीप सिंह खेड़ा 33 साल से हैं, 22 कैदी ऐसे हैं जो पिछले उनकी सजा पूरी हुए के ऊपर 10-10 साल कैद काट ली है, ये बिल्कुल न्याय। एक देश में एक कानून होना चाहिए, जब हम मांग करते हैं कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, तब फिर जिस धर्म के अन्यायियों ने, जिस धर्म के लोगों ने इस देश को याद कराने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश के दूसरे धर्मों का सत्कार बनाने के लिए हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी हो, हमारे भाइयों ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी हो, तो हमको ये सिला मिला है उस चीज का। गुरु तेग बहादुर साहब ने श्री आनंदपुर साहब से आकर यहाँ हिंदू धर्म को बचाने के लिए चांदनी चौक में कुर्बानी दी, यहाँ पास में गुरुद्वारा रकाबगंज सार है, उनके धड़ का वहाँ पे संस्कार हुआ, आज वो क्या गुरु साहब सोचते हुएंगे कि जिस धर्म के लिए मैंने अपना शीश दिया उस धर्म से हमारे बच्चे आज इंसाफ मांगने के लिए आ रहे हैं कि जिस धर्म के बंदे 32-32 साल से जेल में उनको रिहा नहीं कर रहे, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो क्या लगता है सर आपको, क्या ये आइडेंटिटी की वजह से ऐसा होता है कि अगर जैसे मुसलमानों की बात करें उनको 20-25 साल जो है बाद अदालत है उनको बेइज्जत बरी करती है, खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, ऐसा ही जो सिख समुदाय है उनके साथ, जबकि उनकी जो सजा थी वो पूरी हो चुकी है लेकिन फिर भी वो जेल में। हिंदुस्तान में हमेशा ही, हिंदुस्तान में चाहे वो मुसलमान है चाहे वो सिखी है, हिंदुस्तान में मनोटी में धक्का ही हुआ है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब हमारे जो सरदार थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने बीच बैठकर हमारे से समझौता किया कि आपका अलग खिता होगा, और जब देश आजाद हो गया 1947 में उसी वक्त हमें जराइम पेशा कौम करार दे दिया इन लोगों ने, जराइम पेशा कौम करार दे दिया इन लोगों ने। वो तो हमारा संघर्ष हुआ, हमने बढ़िया कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, बड़े मोर्चे लगाए, बड़ी शहीदियाँ दी, और हमारा पंजाबी सूबा जो 1966 में बना, हमने अपना पंजाबी सूबा बनाया, वो भी पंजाबी सूबा जो हमारी पंजाब लाहौर से लेके दिल्ली तक थी वो हमारा पंजाबी सूबा इन्होंने इतना कर दिया। आज हमारे पंजाबी बोलते इलाके, हमारी राजधानी चंडीगढ़ पहली बार है कि एक सूबे की राजधानी, एक स्टेट की कैपिटल, पहले तो उसको जान के केंद्र की सरकार ने दो स्टेट की कैपिटल बना दिया, अब बाद में उसको यूपी बना दिया, जो हमारी स्टेट के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी उसको सेंट्रलाइज करने लग रहे हैं, जो हमारी बीबीएमपी है भाखड़ा ब्यास मैनेज बोर्ड उसकी इसने केंद्रीकरण कर दिया,
मतलब हर हर तरफ पे, हर तरफ पे हमारे साथ केंद्र की सरकारों ने, चाहे वो पहले कांग्रेस की थी चाहे वो बाद में बीजेपी की आई। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब मोदी साहब आए उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे हमारी काली सूची थी, सिखों की ब्लैक लिस्टेड सूची थी, जो बाहर पूरी दुनिया में हमारे कई ऐसे सिख बैठे हैं जिनकी ब्लैक लिस्ट थी, वो अपने हिंदुस्तान में नहीं आ सकते, वो इन्होंने खत्म किया। जो ये टाइटलर वर्गे सज्जन कुमार जैसे जिन्होंने 84 में हमारे सिख भाइयों को कत्लेआम किया, यहाँ पे टायर साड़ के जाल दिए, उनकी सजा नहीं होने दे रही थी, मोदी साहब ने उनको जेल में डाला। पिछले दिन ही अभी लास्ट वीक में पेपर में पढ़ रहा था, कानपुर में जो हमारा कत्लेआम हुआ था सिखों का, उसके भी 4 लोगों की यूपी सरकार ने सजा दी है। कुछ काम अच्छे भी किए हैं उन्होंने, पर अब नहीं कर रहे। जैसे वो पहले जो पिछले 3 साल पहले वो जो खेती के लिए कानून बना दिया, अगर मैं आपकी भलाई चाहता हूँ तो मैं आपको बताऊँ तो सही भी मैं आपके लिए भला करना चाहता हूँ। जब आप मेरे को बोल दो कि मेरी इसमें भलाई नहीं है, फिर मैं क्यों करूं? जब हमारे किसान भाई कहते थे इसमें हमारी भलाई नहीं है, 1 साल से ऊपर हमारे किसान भाई बॉर्डर में यहाँ धक्के खाते रहे, गर्मी सर्दी बारिश यहाँ मरते रहे, ये तो हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली के आम लोगों का, दिल्ली के आसपास के आम लोगों का, साधारण लोगों का, जिन्होंने पार्टीबाजी छोड़कर, जिन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की, जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर एक इंसानियत के नाते, जितने हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे थे उनका सभी का उन्होंने, उनको रोटी पानी लंगर हर तरफ से, बाहर से भी इतनी सेवा की, और हमें मतलब, और उसी सेवा के आगे और उसी हमारे जो दृढ़ इरादे थे जिसके बलबूते पे हम यहाँ पे 1.5 साल हम यहाँ बैठे रहे, उसको देखकर मोदी साहब को नवंबर महीने में जो गुरु नानक पातशाह का पर्व आया, उस पर्व पे वो जो कानून बनाए थे खेती कानून, वो वापस लेने पड़े। सो ऐसे हम यही उम्मीद फिर रहते हैं कि जो हमारे सिख भाई कैदी, देखो पिछले दिन जो राम रहीम है बाबा, वो इतने संगीन इल्जामों में है, उसको 2 बार पैरोल दे दिया, जो उन पे जो 32-32 साल से अंदर है उनके पे कोई इल्जाम भी नहीं है इतने बड़े, अगर इल्जाम थे जो कोर्ट ने उसको सजा दे दी वो सजा माफ होगी, तो इसलिए अब तो माफ कर देना चाहिए। हम उम्मीद रहते हैं कि हमारा जो संकेत करना है इसको समझकर केंद्र की सरकार ने जो काम करना है वो करें, और जो केजरीवाल की सरकार यहाँ पे है, हमारा आज डेपुटेशन सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और जो सीनियर मीत प्रधान है प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू मायरा, सारी सीनियर लीडरशिप पहले यहाँ पे केंद्र के नाम पे एक मांग पत्र देगी, और थोड़ी देर में बाद केजरीवाल के साथ जो है उनकी उनके रेजिडेंस में मीटिंग है, हमारा 11 सदस्य जो मेंबर है, सदस्य जो हमारा सतला, वो वहाँ जाके मीटिंग करेगा। कुमार विश्वास जो बड़े कवि है, उन्होंने आरोप लगाया था केजरीवाल पे कि इन्होंने पिछले चुनाव में जो खालिस्तान से समर्थन लिया था, इसके बाद इन्होंने उनको कुछ वादे भी किए होंगे, तो उनके आरोप को कैसे देखते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? जो कुमार विश्वास का आरोप था वो बिल्कुल सच था। केजरीवाल ने जब से आम आदमी पार्टी ने 2017 के बाद जब से इन्होंने एंट्री की है हमारे पंजाब में, तभी से बेदबी कांड हुआ, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई, तभी से वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, तभी से वहाँ से गैंगवार हो रही है, नहीं तो आज तक हमारे पंजाब में कभी गैंगवार नहीं हुआ था, आज तक किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ की बेदबी नहीं हुई थी, जब से आम आदमी पार्टी ने दखल दिया है पंजाब में तब से ये बेदबियाँ भी हो रही है, मंदिरों में भी हो रही है, दंगे भी हो रहे हैं, काली माता मंदिर में भी दंगे हुए, पटियाला में और भी कई जगह पे हुए, ये केजरीवाल का बहुत चाणक्य छात्र माइंड का ये बनिया है, बहुत ज़्यादा ये छात्र है केजरीवाल, इसका एक ही होता है कि मैंने किसी भी तरह पे हिंदुस्तान पे राज करना है, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से कभी भी कोई भी सरकार इतनी जल्दी फ्लॉप नहीं हुई जितनी जल्दी पिछले 3 महीने में ये जो केजरीवाल की सरकार थी पंजाब में फेल होगी, क्योंकि बाय इलेक्शन जो सरदार भगवंत सिंह मान जो CM बने हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट के पहले मेंबर थे, सदस्य थे, MP थे, उन्होंने रिजाइन दिया संगरूर से, और बाय इलेक्शन आई वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हारी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जिस तरीके से
दलित पिछड़ा आदिवासी जो उनके युवाओं को जेलों में डाला जाता है कीड़ा ककड़ी चोरी के आरोप में, वैसा ही हाल पंजाब में पंजाब के युवाओं का है। खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर ऐसे कई बेकसूर नौजवानों को जेल में डाल दिया गया या जिन्होंने काम भी किए थे, जो आरोपी भी थे, जिनको सजा हुई, सजा होने के बावजूद भी सरकार उनकी रिहाई नहीं कर रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इनको रिहाई मिलनी चाहिए। तो उसी को लेकर आज अकाली दल का जंतर मंतर पर संसद घेराव था। हमने बातचीत करके आपको सारी बातें बताई कि किस तरीके से पंजाब में वहाँ के लोगों की उनकी रिहाई नहीं हो रही है। जनता पर संदर्भ के साथ जनता आवाज दिल्ली।